आज मैं आप सभी लोगों के लिए खड़ी मूंग दाल की रेसिपी दिखाने जा रही हूँ, जिसे आप दाल बनाकर इसको टेस्ट बनाने के लिए इस तरह से इसकी चाट बनाकर खा सकते हैं। तो इसे बनाने के लिए मैंने लिए हैं नमक पारे, कटी हुई प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, हरी धनिया और नींबू। दाल को मैंने 3 से 4 सीटी आने तक मीडियम फ्लेम पर नमक और हींग डालकर पानी में बॉयल कर लिया है। अब ये ठंडी हो गई है। ये दाल सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। और अब मैं इसमें डालूंगी नमक पारे, साथ में डालूंगी कटी हुई प्याज, हरी धनिया और टमाटर। आप चाहें तो इसमें अदरक भी कद्दूकस करके डाल सकते हैं। इस दाल को आप शुगर जैसी बीमारियों में भी बनाकर खा सकते हैं या फिर ऐसे भी। दाल बनने के बाद इसका टेस्ट थोड़ा कम अच्छा लगता है, तो इसलिए आप इस तरह से चाट बनाकर खा सकते हैं। अब मैंने डाला है 1/2 नींबू का रस। टेस्ट के हिसाब से डालूंगी 1 चम्मच धनिया जीरा का रोस्ट किया हुआ दरदरा पाउडर, साथ में डालूंगी टेस्ट के हिसाब से काला नमक, सफ़ेद नमक मिक्स किया हुआ। तो नमक डालने के बाद अब मैं इसमें डालूंगी धनिया जीरा का पाउडर, इससे इसका टेस्ट अच्छा आता है और काला नमक पेट के लिए भी फ़ायदेमंद होता है। अब सभी चीज़ों को मिक्स करूंगी, साथ में डालूंगी खट्टी मीठी चटनी। आप अपने पसंद के हिसाब से इसमें चटनियाँ डाल सकते हैं। अब चटनी डालने के बाद इसे हल्के हाथों से मिक्स कर देंगे। आप भी इस तरह से इस दाल को एक बार इस तरह से बनाकर ज़रूर ट्राई करें, क्योंकि कभी कभी दाल या खिचड़ी से मन हट जाता है, तो आप इस तरह से इसे चाट की तरह बनाकर खा सकते हैं। अब मैंने इसे इस प्लेट में निकाल लिया है और डालेंगे कटी हुई प्याज, हरी मिर्च और हरी धनिया, साथ में डालेंगे दही और खट्टी मीठी चटनी। आप भी एक बार इस तरह से खड़ी मूंग दाल को बनाकर इस तरह से चाट बनाकर ज़रूर ट्राई करें। तो अब मैंने इसमें हरी धनिया डाल दी है। धनिया, प्याज, हरी मिर्च और मसाले या चटनी आप अपनी पसंद के हिसाब से इसमें डाल सकते हैं। तो आप सभी लोगों के लिए खड़ी मूंग दाल की चाट बनकर तैयार है। लास्ट में मैंने डाला है 2 चुटकी कश्मीरी लाल मिर्च, इससे ये चाट देखने में अच्छी लगेगी। तो आप सभी लोगों के लिए मूंग दाल की चाट बनकर तैयार है। और अगर आप सभी लोगों को मेरी रेसिपीज पसंद आ रही हैं
तो आप मेरे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें।